अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू लेट्स प्ले अ वीकली राउंड अप ऑन ऑल द मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। मैं हूं आपका होस्ट ज़मान खान और आज के शो की शुरुआत करेंगे हम एज ऑलवेज विद क्रिकेट, जहां पर इंडिया और श्रीलंका का तीसरा टेस्ट मैच पालेकेले में कंक्लूड हो चुका है। इंडिया ने वंस अगेन कॉम्प्रहेंसिवली श्रीलंका को हराया है, ना सिर्फ ये मैच बल्कि ये सीरीज़ भी, और तीसरा मैच बाय एन इनिंग्स एंड 171 रन्स, और जो कि बहुत एक बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट विन्स in the history of Indian cricket and fifth biggest loss for Sri Lanka in their history as well. Agar thoda sa hum match summary pe nazar dale to India once again they were lucky with the toss. They have been right through. They batted first and scored 487 runs thanks to Shikhar Dhawan, who has been prolific with the bat. He scored 119 aur Hardik Pandya ne bahut zabardast unka saath diya. Later on in the innings unhone 109 runs kiye from only 96 balls, which helped India reach 487. In response, Sri Lanka could only manage 135 runs. Their captain Dinesh Chandiman was the only reasonable batsman who scored 48 runs. Kuldeep Yadav, India ki taraf se 4 for 40 lene mein kamyab hue. Follow on karwa diya Virat Kohli ne, given the fact ki bahut bada gap tha aur lead bahut zyada thi aur bahut kam overs mein unhone out kar diya Sri Lanka ko. और श्रीलंका इन देयर थर्ड इनिंग्स जब उनको दोबारा बैटिंग करने का कहा गया तो दे कुड ओनली मैनेज 181 रन्स, और जिसमें डिक वेला जो कि विकेट कीपर हैं इनके श्रीलंका की टीम के, ही वाज़ अ हाई स्कोर विद 41 रन्स। नोबडी एल्स कुड मेक अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। रविचंद्रन अश्विन वंस अगेन बॉल्ड एक्सट्रीमली वेल, ही गॉट 4 विकेट्स फॉर 68 रन्स। मोहम्मद शमी ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की एंड 3 विकेट्स फॉर 32 ही एंडेड अप विद। और इंडिया ने ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ 1967 और 68 के बाद कि कहीं अवे किसी टेस्ट सीरीज़ में तीन मैचेस जीतने में कामयाब हुआ है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था 67 में 68 का जो सीज़न था न्यूजीलैंड के अंदर, और दिस आल्सो गोज़ टू शो कि किस हद तक इंडिया की टीम जो है वो इम्प्रूव कर चुकी है। पहला टेस्ट मैच वो जीते थे 304 रन से, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन होता है। दूसरा टेस्ट मैच वो जीते वो बाय वन इनिंग्स एंड 53 रन्स, और अब तीसरा जो टेस्ट मैच है वो इससे भी ज़्यादा मार्जिन से जीते हैं विच इज़ इन इनिंग्स एंड 171 रन्स। मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या को मिला क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, और उन्हीं की वजह से जो टोटल लग रहा था इंडिया का 400 या उसके आसपास तक ही रहेगा, लेकिन उनकी वजह से उनकी जो धुएँदार बैटिंग थी और बहुत ही जो ख़राब टैक्टिक्स थे एज इन द फील्ड बाय दिनेश चंदिमल, जिसकी वजह से उनको अपनी मेडन सेंचुरी स्कोर करने का मौका मिला, और हार्दिक पांड्या ने अपनी जो अच्छी फॉर्म है उसको कंटिन्यू किया और टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी अथॉरिटी को स्टैम्प करने में वो कामयाब हुए और मैन ऑफ द मैच के वो सही हकदार थे और उनको मिला। इसके अलावा शिखर धवन वॉज द प्लेयर ऑफ द सीरीज़। चैम्पियंस ट्रॉफी से लेके वेस्ट इंडीज़ का टूर भी बीच में आया और अब श्रीलंका का टूर, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनकी रही है। जब भी बाहर जाते हैं ऑलमोस्ट इन एवरी इनिंग्स ही गोज़ आउट देयर एंड स्कोर्स 100, एंड ही रियली हैज़ बीन वन प्लस फॉर इंडिया। विराट कोहली ऑल दो इस सीरीज़ में बहुत कुछ नहीं कर सके, लेकिन जहां पर चेतेश्वर पुजारा और शिखर धवन जैसे टॉप ऑर्डर हो, वहां पर मेरा नहीं ख्याल कि विराट कोहली को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी है। सो श्रीलंका के लिए थोड़ा सा इस वक्त एक स्पॉट ऑफ वॉदर में है, वो अगेंस्ट जिम्बाब्वे वो स्ट्रगल करते रहे अपने होम कंडीशंस पे, और अब इंडिया से वो इतनी बुरी तरह हारे हैं जिनके साथ वो, अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो श्रीलंका और इंडिया का, श्रीलंका हमेशा श्रीलंका के अंदर खास तौर पे हमेशा डोमिनेट ही करता रहा है, लेकिन इस सीरीज़ के बाद से जो कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी उन पर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे सीनियर प्लेयर्स, वो क्रिटिसिज्म और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ तक कि सना जयसूर्या ने तो काफ़ी ज़्यादा पिछले हफ्ते अर्जुना रानाटुंगा इनके बहुत ज़्यादा खिलाफ़ बोल रहे थे, अब खुल के सामने आए हैं। सनत जयसूर्या भी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है बैटिंग को, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि ऐसी यंग टीम को बैक करना चाहिए क्योंकि बिल्कुल इनएक्सपीरियंसड है, और जब किसी भी टीम से इतने अगर बड़े स्टॉलवर्ड्स चले जाएँ तो उस टीम का यही हाल होगा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो 13 ऐसे प्लेयर्स जो कि दुनिया में इस वक्त अपनी काउंटी लीग्स खेल रहे थे वेस्ट इंडीज़ में, इंग्लैंड में, उनको वापस बुला लिया गया है बिकॉज देर इज़ अ डोमेस्टिक T20 कॉम्पिटिशन। नेशनल हमारा जो T20 कॉम्पिटिशन है वो शुरू हो रहा है 25 अगस्त से और ये कंटिन्यू करेगा 10 सितंबर तक, और इसके लिए जो टीम्स जो खेलेंगी उसके लिए जो हमारे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पे भी मुल्क से बाहर है, उनको वापस बुला लिया गया है। मोहम्मद आमिर को जो कि बहुत एक अच्छा स्टार्ट मिला था उनको अपनी काउंटी साइड एसेक्स की तरफ से, उनको भी वापस बुला लिया गया है। जो
समरसेट की तरफ से भी डेब्यू करना था, फखर जमान ने उनको भी वापस बुला लिया गया है, और सरफराज अहमद जो यॉर्कशायर की तरफ से अभी तक 5 मैच खेले थे उनको भी वापस बुला लिया गया है। इसके अलावा जो ऐसे प्लेयर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं भी थे, जिसमें मोहम्मद समी थे, जिसमें कामरान अकमल थे और सोहेल तनवीर थे, उनको भी वापस बुलाया गया है एज़ दे वर ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर फैसलाबाद, रावलपिंडी एंड लाहौर रिस्पेक्टिवली। सो इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्योंकि टाइट स्केड्यूल है और पीसीबी ने ये जो डिसीजन लिया है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये इसको कहता है कि उनको बाहर ही खेलते रहना चाहिए, बाहर ही उनको मौका भी मिलना चाहिए था ताकि उनको बाहर का एक्सपोजर ज़्यादा मिलता और एलियन कंडीशंस के ज़्यादा एप्ट होते, ज़्यादा सूटेबल होते। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि ये बिल्कुल सही है और डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा इनको तवज्जो देनी चाहिए, पाकिस्तान में आके ये खेलें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो वर्ल्ड 11 का जिसको कहा जाता था कि ये एंड ऑफ सितंबर के में जो टीम आके पाकिस्तान में खेलेगी उसको अब ये पहले पीसीबी अनाउंस किया है कि शायद वो हम पहले इसको रखवा दें। सो उसकी जो डेट्स बताई गई हैं वो फ्रॉम 10 सितंबर टू 16 सितंबर के बीच में वो सीरीज़ खेली जाएगी, और अभी डिपेंड करता है कि सिक्योरिटी वगैरह जो है वो सब स्मूथ जाएगी, उस पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है पाकिस्तान के लिए, यहाँ तक कि श्रीलंका के बोर्ड ने भी ये अनाउंस किया है कि वो भी एक T20 मैच पाकिस्तान में खेलेंगे, लाहौर में खेलेंगे। सो इस तरह से एक क्रिकेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में भी आ रही है नेक्स्ट मंथ या इन द कमिंग मंथ्स, सो ये एक खुशाइंद बात है। थोड़ा सा इस पर क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि स्केड्यूल बहुत टाइट था, 21 सितंबर से पाकिस्तान की जो टीम है वो श्रीलंका जा रही है, उससे पहले वर्ल्ड 11 के साथ भी एक सीरीज़ है, मिनी सीरीज़ वो भी खेलनी है, उससे पहले जो डोमेस्टिक T20 कॉम्पिटिशन हैं वो भी खेलने हैं। सो एक मंथ की विंडो के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको स्केड्यूल बहुत टाइट कर दिया गया उनका, और लग ऐसे रहा है कि अब ये देखना होगा आगे कि ये इस पूरे सिनेरियो से किस तरह बाहर आते हैं, एज अ बेटर टीम बाहर आते हैं या फिर थोड़ा सा ये थक जाते हैं या जो भी होगा। ये श्रीलंका की जो सीरीज़ है जिसकी जो UAE में खेली जाएगी उस पर डिपेंड करता है कि इनकी परफॉर्मेंसेस उस पर किस तरह रिफ्लेक्ट करती हैं। एक और मेजर डेवलपमेंट में जो PCB के जो नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उन्होंने यूनानिमसली डिसाइड किया कि नजम सेठी विल बी द चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि ये शहरयार खान साहब के रेजिग्नेशन के बाद से ये विंडो ओपन हुई थी और बड़ा यूनानिमसली इनको चूज़ किया है, जिसके बाद जो बयान नजम सेठी साहब की तरफ से आया है वो ये है कि वो क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट पे ज़्यादा बेहतरी के लिए वो काम करेंगे, टैलेंट हंट ज़्यादा करवाएंगे और टैलेंट को वो निखारने की कोशिश करेंगे। इस ये उनका दूसरा स्टंट है एज द PCB चेयरमैन, ऑल्दो बोर्ड के साथ वो बहुत अरसे से वो इन्वॉल्व हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी उनका नाम काफ़ी अरसे से उनका है और PSL को वो डायरेक्टली खुद मैनेज करते हैं। सो और इससे पहले भी 2014 में भी वो चेयरमैन रह चुके हैं, बट एट दैट टाइम ही वॉज इन अ बिट ऑफ अ फाइट विद देन चेयरमैन ज़का अशरफ, और उनके साथ जो चेयरमैनशिप का जो झगड़ा था वो काफ़ी अरसे तक ये म्यूजिकल चेयर चलती रही थी, बट इन द एंड द कोर्ट वर्डिक्ट वॉज इन फेवर ऑफ नजम सेठी। सो ही हैज़ कंटिन्यूड और अगले 3 साल तक अब यही कहा जा रहा है कि ही विल बी द चेयरमैन। बहुत इस पर बात की जाती है कि क्या एक ऐसा बंदा जिसका कोई शायद ताल्लुक ना हो क्रिकेट से, जो शायद क्रिकेट की डायनामिक्स को इस तरह ना समझता हो, क्या उसका ऊपर आना जस्टिफाइड है, और ख़ास तौर पर तब जब ही हिमसेल्फ इज़ अ जर्नलिस्ट एंड ही हिमसेल्फ हैज़ गॉट अदर थिंग्स, ही डज अ शो ऑन TV, और उसके अलावा भी उनका जो सहाफ़त में नाम है और जो उनका ही हैज़ बीन द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एज वेल। सो एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर आता है और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हुए हैं नजम सेठी इस हवाले से, लेकिन हमेशा से उन्होंने अपना क्रिटिसिज्म भी हैज़ टेकन ऑल द क्रिटिसिज्म इन हिज स्ट्राइड एज वेल। सो इम्पॉर्टेंट होगा ये देखना कि ये जो डिसीजन है जो प्राइम मिनिस्टर के जो डायरेक्ट नॉमिनी नजम सेठी को अपॉइंट करने का है, ये पाकिस्तान के लिए कितना बेनिफिशियल साबित होता है, कितना फ्रूटफुल साबित होता है। इट्स टाइम नाउ फॉर अ कमर्शियल ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हॉकी पे जो कि काफ़ी अरसे से आप कह लें कि डिटीरोशन का शिकार है, और जिस तरह से परफॉर्मेंसेज हमारी जा रही हैं, जिस लेवल से हम नीचे आए हैं, ये एक बहुत ख़तरनाक और खौफनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। इस पर हम बात करेंगे, बट इट्स टाइम फॉर अ कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, और रुख करते हैं थोड़ा हॉकी की तरफ जहां पाकिस्तान काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहा है। एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया, वर्ल्ड कप जीतने के बाद
अनगिनत एशियन चैंपियनशिप जीतने के बाद, ओलंपिक्स जीतने, 3 दफ़ा ओलंपिक्स जीतने के बाद भी पाकिस्तान की सूरत हाल इस तरह की है कि आज हम इस दौराहे पे आ गए हैं कि ना ओलंपिक के लिए ना वर्ल्ड कप के लिए एथलेटिक्स में पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आता। इसी बात पे हमने आज बहस करने के लिए दावत दी है स्टूडियो में, हमारा बड़ा एक हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, एक हॉकी के स्टॉलवर्ट हैं, प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, वर्ल्ड चैम्पियन हैं, ख्वाजा मोहम्मद जुनैद साहब, वेलकम टू द शो। सर आपसे मैं पहले यही जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक टाइम पे 60 में वर्ल्ड कप जीता, तब से एक ऐसी वेव आई हॉकी की, पाकिस्तान ने बहुत डोमिनेट किया, बल्कि दुनिया को ऐसे ट्रेंड्स दिए जिसको दुनिया ने फॉलो किया, कहाँ पर ऐसी गड़बड़ हुई? ये हर मेरा ख्याल है हर बंदा ही आपसे सवाल पूछता होगा, लेकिन ये कहाँ पर ऐसा आप समझते हैं कि क्या ऐसी चीज़ थी, कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसके बाद से पाकिस्तान की जो हॉकी है वो एकदम डिटीरियरेट होने शुरू हो गई और रैपिडली, और अब इस सिचुएशन पे हम आ गए हैं कि ऑलमोस्ट 22 करोड़ का मुल्क है और 17 एथलीट्स जाते हैं ओलंपिक्स के लिए, क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहस के लिए मुझे मधु किया। और वही बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत दुनिया पूछती है कि जी क्या हुआ, स्टोरी क्या है। मेरे नज़दीक का जिस चीज़ की कोई हिकमत अमली तैयार ना की जाए, जिस चीज़ को मैं समझता हूँ कि मॉडल के मुताबिक, प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूट ना किया जाए, वो लॉन्ग टर्म नहीं होती हैं, वो शॉर्ट टर्म होती हैं। आप जाते हैं, आप जाके एक मैच जीत सकते हैं, आप चैंपियनशिप नहीं जीत सकते, ठीक है। चैंपियनशिप आप तभी जीतेंगे जब आप एक रोड मैप को फॉलो करते हुए आएंगे, ठीक है। हमें मेडल्स मिले क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है ये बहुत स्किलफुल है, इसके अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा है, ठीक ठीक है। पूरी दुनिया में हम जाते हैं ना, तो ये बच्चे जब मैं देखता हूँ रोड पे व्हीलिंग कर रहे होते हैं, कितनी डेंजरस चीज़ है, मतलब ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप स्किल की तरफ जाएँ, अगर आप बहादुरी की तरफ जाएँ, ठीक है, तो इसका कोई दुनिया में सानी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखें जी कि आपने मोटरसाइकिल पे जंप करनी है तो आपको पाकिस्तानी नजर आएगा, गाड़ी पे जंप नहीं। एग्जैक्टली, यही बदकिस्मती है कि हम इन चीज़ों को, इस टैलेंट को, इस दिलेरी को, इस बहादुरी को हम किसी जगह पे इकट्ठा नहीं कर सकते, चैनलाइज नहीं कर पा, नहीं कर पा रहे। ये हमारा फेलियर है और हॉकी के अंदर भी हमारा यही फेलियर है। हॉकी में जब हमें मेडल मिल जाते हैं या जब हम मेडल जीत रहे थे, हमने कभी फ्यूचर का लाहेमल को तैयार ही नहीं किया कि भाई आने वाले वक्त में जो टीमें हमसे हार रही हैं, जब वो एक बहुत बड़ी पावर बन के सामने आएंगी तो हम उनको कैसे डील करेंगे। हमने जीत के नशे में हमने फ्यूचर प्लान नहीं किया, आज इसलिए हम ये डाउनफॉल से बाहर ही नहीं आ पा रहे। हॉकी में हम समझते थे, मतलब मेरी तो पैदाइश से पहले की बात है, लेकिन एक ये कहा यह जाता था कि सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है और सबसे ज़्यादा मतलब यंगस्टर्स जो हैं सबसे ज़्यादा इस स्पोर्ट की तरफ आ रहे हैं क्रिकेट से पहले, तो अगर इतना जीत रहे थे और अगर इतना आपके पास वसाइल भी थे तो क्यों ऐसी चीज़ें नहीं कर पाए हमारे सीनियर प्लेयर्स? मैं उनको इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हमारे यहाँ शायद इदारे इतने नहीं होते, लेकिन जिस जो प्लेयर्स होते हैं उनकी अपनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रेन द यंगस्टर्स, तो उनको ट्रेन पर्सनल लेवल पर नहीं कर सके आपको लगता है? देखिए, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि अपना जब हम एक कौम थे हम एक मुल्क मिला, जब हम मुल्क मिल गया तो हम एक कौम की हैसियत को खो बैठे, ठीक। अच्छा, इसी तरह जब हम जीत रहे थे तो हमने आपस में लड़ाई शुरू कर दी, ठीक, कुर्सियों के लिए लड़ाई कि जी इस कुर्सी पे कौन बैठेगा, इस टीम का कोच मैनेजर कौन होगा, ठीक है जी। तो उसमें हमने अपनी हिकमत अमली जो एक रिक्वायर्ड होती है कि जैसे आपने अच्छी बात की कि हमने कभी भी कोई एकेडमी सिस्टम को डेवलप नहीं किया। अगर हम हॉकी का सिर्फ प्रोडक्ट खुद तैयार करनी शुरू कर दें तो आप यकीन करें पाकिस्तान की हॉकी कभी पीछे ना जाए। हमारे पास एक एकेडमी नहीं है आज इस वक्त इस मॉडर्न दौर में, जहाँ पर हमारे हमसाए ममालिक में 60 के करीब लीग्स होती हैं, 60 एकेडमीज, वहाँ पर दुनिया की हर गेम की लीग्स हो रही हैं, ठीक है। वहाँ पे प्लेयर्स को फाइनेंशियली मजबूत किया जा रहा है और यहाँ पर प्लेयर जो है वो फाइनेंशियली डे बाय डे नीचे जा रहा है। आप यकीन करें कि मैंने एक दफ़ा एक एकेडमी की सारा मैंने उनका देखा गया, उनका तरीकाकार क्या है। आप बिलीव करें कि इस मॉडर्न दौर में एक बच्चे को 1,000 रुपया देते थे कि आ तुम आके हॉकी खेलो, जिस दौर में जूता 20,000 रुपये का है, हॉकी 10,000 रुपये की है, वहाँ पे उसको 1,000 रुपया पर मंथ पॉकेट मनी मिलती थी, तो किस तरह हॉकी सर्वाइव होगी? मैं समझता हूँ कि जो हमारे कर्तव्यधर्ता लोग हैं, सबसे पहले उनको ये फोकस करना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में जो रॉ टैलेंट है उसको एक जगह पर इकट्ठा करके उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए किसी भी स्टेप से पहले, तो ये हम फेल हैं इसके अंदर। ये इसमें
क्या इतनी इतना टाइम किस चीज़ का लग रहा है? देखिए आप ज़्यादा नहीं तो क्रिकेट का मॉडल हमारे साथ है, क्रिकेट का जो पीसीबी है वो इतनी दूर नहीं है नेशनल हॉकी हमारे जो जी हाँ बिल्कुल ठीक हमारा हॉकी का सेटअप है लाइक अक्रॉस द रोड बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ जाके आप ये देख सकते हैं कि प्लेयर्स के टीयर बने हुए हैं, कोई एक क्लास का है, कोई बी क्लास का, सी क्लास का, इस तरह करके उन्होंने कुछ प्लेयर्स को अपने बैनर के नीचे रखा हुआ है। हॉकी के अंदर किस तरह का सिस्टम है? हमारे वो व्यूअर्स जो हॉकी को शायद दूसरा फॉलो नहीं करते, आप उनको थोड़ा सा बताएं कि हॉकी के अंदर कोई अगर तो कोई टीयर है तो उसमें क्या टीयर होता है, उसकी क्या मेरिट क्या होता है उसका, उसके और जो खास तौर पे जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप हायरार्की है, उसके इंस्टेट होने का जो मेरिट होता है उस पर भी हमने हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताया। देखिए बेसिकली सबसे पहले हमारा एक जो बहुत बड़ा अलमी है, आपने शुरू में बात की कि एक यंगस्टर जो है वो हॉकी खेलना चाहता है, वो कहाँ खेले, पहला पॉइंट ये ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं है ठीक है। उसके बाद कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो वो आए क्रिकेट की तरह आके तो खेले, कोई हमारा एकेडमी सिस्टम, कोई क्लब सिस्टम नहीं है। हॉकी में होता था 70s 80s में बहुत स्ट्रॉन्ग क्लब सिस्टम था, एकेडमी सिस्टम था, लेकिन हम खो बैठे हुए हैं ठीक है। इसी तरह जो हमारी मैं समझता हूँ कि पूरी जो ऑर्गेनोग्राम है आप देखें उसमें कोई सिलेक्शन, कोई मेरिट, कोई यार्ड स्टिक्स नहीं है। हम लोग हमेशा बैकडोर से आते हैं ठीक है और आके तो फेडरेशन को ज्वाइन करते हैं, और मैं समझता हूँ कि बड़े हमारी गुड लक है कि गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करके तो फाइनेंशियली भी मजबूत करती है ठीक है। लेकिन बदकिस्मती क्या होती है कि जो जोन जिसको मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिलता है, मेरिट के ऊपर कोई काम नहीं होता है यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि ग्रुप बेस्ड काम होते हैं कि जी मेरा ग्रुप आया तो मैं अपने ग्रुप के साथ ही सर्वाइव करना चाहता हूँ, चाहे मेरे ऑपोजिशन में जितने मर्जी काबिल लोग हों, हम लोग इस चीज़ से कभी बाहर नहीं आए। हॉकी में इसी तरह ही होता है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए, एक हमें सेट मॉडल को फॉलो करना चाहिए, एक रोड मैप को लेके चलना चाहिए ताकि जो लोग भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं वो कोई भी हो वो आके उस चीज़ को एंजॉय करे। मतलब मैं ही समझता हूँ कि जिस खेल ने पाकिस्तान को दुनिया में शिनाख्त दी क्रिकेट से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अब 48 में देखें पाकिस्तान ओलंपिक खेलने चला गया, 52 में पाकिस्तान ओलंपिक खेला है, अभी आपको बने चार दिन हुए थे तो कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना की स्टेटमेंट मौजूद है कि जब उनको कहा गया कि हमारे पास तो फंड ही नहीं है हम टीम को कैसे भेजें, तो उस वक्त टीम को C-130 फौजी प्लेन में ओलंपिक्स खेलने के लिए भेजा गया और उन्होंने कहा कि हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी सैलरीज को कट डाउन करके तो आप इनको पैसे दे दें। तो आप देखें कि ये लेवल था हॉकी का। जब पाकिस्तान खेलने गया तो वहाँ पर पाकिस्तान का फ्लैग फर्स्ट टाइम लहराया मुल्क से बाहर और लोगों ने पूछा कि ये कौन सा मुल्क है, ये तो हिस्सा है इस हमारे हमसाय मुल्क का, क्योंकि अब ये वो उस मुल्क का हिस्सा नहीं है, अब ये खुद खुद मुख्तार है और पाकिस्तान एक मुल्क की हैसियत से यहाँ पर खेलने आया। तो मैं कहता हूँ उस खेल को तो क्या वजह है कि इतना पॉपुलर स्पोर्ट, चार दफ़ा वर्ल्ड कप, आठ दफ़ा एशियन चैम्पियन, तीन दफ़ा ओलंपिक, दूसरी स्पोर्ट में आ जाएं आप, स्क्वाश में आ जाएं, मतलब अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस, जान शेर खान, जहांगीर खान 555 कंसेक्यूटिव मैचेस जीत जाना जो अनहर्ड ऑफ दुनिया में आज तक नहीं हुआ, क्या क्रिकेट की बहुत मकबूलियत इसकी एक वजह है या हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी जो आप कह लेना अहली एक वजह है या तवज्जो ना देना एक वजह है, हमारे जो सीनियर्स के आपस में क्लैशेस एक वजह है, सबसे ज़्यादा वजह किस चीज़ को समझते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि नो डाउट क्रिकेट के अंदर एक क्रिज्म है, क्रिकेट की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, क्रिकेट एक्सपेंसिव गेम भी नहीं है, बहुत सस्ती गेम है। अच्छा क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है आप देखें ना जिसकी वजह से तो शॉप वाले शॉप बंद करके क्रिकेट खेल रहे होते हैं, स्कूल के बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उधर बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आप एक बॉल बैट ले लें तो आप 50 लोग खेल सकते हैं ठीक है। अच्छा एक ये चीज़ है, नंबर टू चीज़ ये है कि ये तो मैं समझता हूँ कि जो अहदेदार होते हैं उनका काम होता है कि अट्रैक्शन कैसे दी जाए। मैं समझता हूँ कि अट्रैक्शन के लिए आपको ऐसे मॉडल्स बनाने पड़ते हैं कि जो यंग जनरेशन है वो उस एग्जैक्टली उस अट्रैक्शन को देखते हुए उसके ऊपर आए। हॉकी कहीं मीडिया में डिस्कस नहीं हो रही, हॉकी किसी जगह बिलबोर्ड पे नहीं है, हॉकी लोगों के दिलों में नहीं है, हॉकी नज़रों में नहीं है, हॉकी किसी दिमाग के खाने में पड़ी हुई है। हॉकी आज भी पाकिस्तानी कौम का पैशन है, पाकिस्तानी कौम हॉकी को जीतता हुआ देखना चाहती है, लेकिन हमारे जो लोग करता धरता लोग हैं वो इसके लिए ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि जिस पे हम पाकिस्तान का टॉप टैलेंट ला के तो एक रास्ते पे चल पड़े, उसमें बेशक 2 साल लगें 3 साल लगें विक्ट्री आ जाएगी। जैसे मैंने पहले अपने वर्ड्स में कहा कि ये बहुत काबिल कौम है, बड़ी समझदार कौम है,
इनको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लाना है बस आपने, और वो काम होता है अहदेदारों का। जब हम अपने जैकेट से बाहर आ जाएंगे ना, आप बिलीव करें सारे काम ठीक हो जाएंगे। हम लोग सिर्फ अपनी पॉकेट जैकेट्स के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ आज हम ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। ठीक है, 2004 के बाद से बहुत ही गंदा एक फेज़ है पाकिस्तान हॉकी के ऊपर। ऑल्दो पाकिस्तान कुछ जीता है बीच में ऑफ द लास्ट 2-3 ईयर्स, लेकिन 2004 से 2011 तक तो बहुत ही बुरा हाल था। अभी आप कह रहे हैं कि जी हमारे जो मैनेजमेंट है उसको पहले से तैयार नहीं थी, कि उस वक्त जब जीत रहे थे तो आगे का नहीं सोचा हुआ था, लेकिन उसको भी बहुत अरसा हो चुका है, बीच में भी कोई ऐसा फेज़ नहीं आया या अर्ली 2000s में ऐसा, क्योंकि ये हॉकी तो बड़े अरसे स्ट्रगल कर रही थी, तब भी कोई ऐसा बंदा नहीं आया। और हमारे व्यूअर्स को ये भी थोड़ा सा बताएं कि जो नेपोटिज्म कहते हैं या जो करप्शन का एलिमेंट कहते हैं हॉकी के अंदर, उसमें कितनी हकीकत है? देखिए, मैं समझता हूँ कि 94 वर्ल्ड कप, अल्लाह पाक की रहमत से उस टीम का मैं खुद भी हिस्सा था, हमने सिडनी में जीता, एंड वही एक लास्ट बड़ा मेडल था। ठीक, 94 से लेकर आज देख लें एक बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स के करीब हम लगे हुए हैं, बहुत बड़ा डाउनफॉल का एक पीरियड आ गया हुआ है, और अभी भी आगे भी होप नज़र नहीं आ रही। बीच में विक्ट्रीज आई हैं, हमने 2010 में अल्लाह की रहमत से मैं खुद कोच था, तो हमने एशियन मेडल जीता है, गोल्ड मेडल एशियन गेम्स का जीता, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स हम नहीं जीत सके हैं। देखिए, नेपोटिज्म यहाँ पर क्रिटिसिज्म जैसे फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म बहुत है, ठीक है, वहाँ पर सोल्यूशन नहीं होती है। ठीक है, बीच में करप्शन के भी इल्ज़ाम लगते रहे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो मामला हैं ये हमारी गवर्नमेंट लेवल पर हैं, करप्शन हो, नेपोटिज्म हो, लेकिन जो टारगेट मुझे दिया गया है मैं उसको तो पूरा करूं। आई मीन, आप 100% नहीं लगा रहे, मैं 60% तो लगा के एक अपनी नेशनल गेम के लिए कोई ऐसा मॉडल छोड़ जाऊं कि जो आने वालों के लिए आसानी हो। हमारे यहाँ मैन मेड सिस्टम चल रहा है इस मुल्क का, ये अलमी है, नॉट इन द फील्ड ऑफ हॉकी, एवरीवेयर। जहाँ पर ख्वाजा जुनैद बनेगा मैनेजर, वहाँ मेरा सिस्टम चलेगा, दूसरा मैन जाएगा वो अपना सिस्टम लेके आएगा। वी आर नॉट फॉलोइंग एनी ट्रैक, ठीक, हम लोग रोज़ अपना ही सिस्टम नया लेके आते हैं, जिसकी वजह से आज हमें दिन देखना पड़ा है। मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम के हवाले से मैं एक चीज़ मैसेज के तौर पे अपनी पूरी कौम को देना चाहता हूँ कि जो हम लोगों की सक्सेस का वजह बनी, उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी अदर देन दी गेम। माँ बाप की इज्जत मैं मेंशन करना चाहता हूँ, बड़ों की इज्जत, ठीक है, उसके बाद कुरान पाक की तलावत और कुरान पाक को समझना, नमाज को ना छोड़ना, ये ऐसी चीज़ें थी जिसने आपको पास्ट में बहुत कामयाबियाँ दी। आज टेक्नोक्रेट्स का दौर आ गया है, ठीक है, कुरान पाक को हमने बरकत के लिए रख लिया हुआ है, हम उस मॉडल को जो अल्लाह की किताब है फॉलो नहीं करते। जितने जीत के फॉर्मूले हैं सर कुरान में पढ़े हुए हैं। डिसिप्लिन सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है, डिसिप्लिन आपको सिखाता सर। जब मैंने अभी बात कर रहा था प्रोग्राम से पहले कि 3 C's फॉर्मूला है, वो इंप्लीमेंट हो जाए ना तो आपको 62-63 की जरूरत ही नहीं है। ठीक, 3 C's फॉर्मूला, पहला C आता है करेक्टर के लिए, दूसरा C आता है आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए, तीसरा C आता है आपकी कॉम्पिटेंसी के लिए। इस बात को यहीं से ही हम आगे बढ़ाएंगे। इट्स टाइम फॉर कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। ख्वाजा साहब से पहले बात हो रही थी कि कोचिंग की, और इस हवाले से भी हम बात कर रहे थे, और कितना फुकदान आ चुका है, पहले कितना एक ग्लोरी डेज है तो कितना डिफरेंट था। आपकी नज़र से आपसे राय मैं जानना चाहूँगा कि एक स्कूल ऑफ थॉट क्रिकेट से हम अगर उठाएं, क्रिकेट की मिसाल मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि लोग उसे रिलेट ज़्यादा कर लेते हैं। क्रिकेट में हम देखते हैं कि जी एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जो आपका चेयरमैन हो या PCB का चेयरमैन जिस तरह होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जी उनको एक टेक्नोक्रेट होना चाहिए, उसको एक मैन मैनेजर होना चाहिए, उसको एक मैन मैनेजमेंट समझ आनी चाहिए, इट्स बिकॉज इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर इफ़ यू कंपेयर टू एथलेटिक्स। दूसरे स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं कि जी टॉप मैनेजमेंट में वो होना चाहिए जो खुद एक प्लेयर रह चुका हो, उसको प्लेयर्स के प्रॉब्लम पता हो, उसको पता हो कि किस पोजीशन पे प्लेयर के माइंडसेट क्या होता है, और वो उस तरह से उसको टैकल करे। मैं आपसे जानना चाहूँगा हॉकी के अंदर कौन सा इस वक्त ज़्यादा सूटेबल है फॉर द करंट टीम जो अभी हमारे पास है, कोई ऐसा बंदा है जो उनको एक एथलीट होना चाहिए या ऐसा बंदा है जो एक मैन मैनेजर अच्छा होना चाहिए, क्या इस पर आपकी क्या राय? मैं समझता हूँ कि जो ये टॉप लेवल होता है ना जी, ये इसको हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक, जैसे स्पोर्ट्स साइंसेज है ना, इस तरह स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपका अगर कोई टेक्नोक्रेट जिसको मुत्तफिका राय के साथ सब समझते हो कि यार इसके अंदर कंट्रोलिंग पावर है, ये ही कैन बी अ गुड मैनेजर, तो उससे अच्छा बंदा नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है ना, हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता, एक बहुत पुराना प्लेयर बहुत अच्छा अगर वो प्लेयर था तो उसी को बड़ा बना दिया जाता है। ठीक है, और वो किसी और को लाना भी नहीं चाहता। अगर एक बड़े प्लेयर को आप एक सीट दे दें
तो लेकिन वो अपने राइट लेफ्ट पे ऐसे लोग ले आए जिनको मैनेज करना आता हो, तो वो राइट लेफ्ट पे ऐसे लोग लाता है जो उसकी सिर्फ तारीफें कर रहे हो कि सर जी आप तो बहुत बड़े प्लेयर थे, क्या बात है जनाब। तो ये जो है ना, मैं समझता हूँ कि चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए मेरिट के ऊपर। देखें हॉकी नेशनल गेम है, मैं हॉकी की बात करूँगा, क्रिकेट में भी अगर आप देखें तो ये एक विक्ट्री 10 साल के बाद हम इंडिया को जीते हैं, अभी एक विक्ट्री ने हर चीज़ चेंज कर दिया। लेकिन वहाँ पर एक दफ़ा एक चेयरमैन बनता था, हफ्ते के बाद दूसरा चेयरमैन बनता था। बिल्कुल 2014 में ऐसे ही हुआ, गुडे गुडे का खेल चला। ठीक है, पीएसएल ने आके सिनेरियो चेंज कर दिया क्रिकेट का। एक लीग पाकिस्तान में प्रोफेशनल स्टार्ट हुई है, बदकिस्मती से अभी हम उसको पाकिस्तान में नहीं कर पा रहे हैं इवन देन, क्योंकि उनके पास पैसा बड़ा है, वो दुबई में जा खेल लेते हैं। हॉकी क्यों नहीं कर सकते? हॉकी तो मुरीद के में खेल सकती है, पैसा इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है। पीएसएल या एचपीएल हॉकी प्रीमियर लीग, यही हमारा एक सोल्यूशन है। लेकिन इन चीज़ों को करवाने के लिए कौन से लोग आएंगे? ठीक है, हु विल बेल द कैट। हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है कि जो काम हम करने जा रहे हैं उस काम के लेवल के लोग भी चाहिए ताकि वो उसको टारगेट करके उसको अचीव कर लें। हम बातें करते हैं, टेबल टॉक्स हॉकी में भी बहुत होती हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, गवर्नमेंट ये करेगी, आर्मी ये कर रही है, हम उसको मिल के आ गए, इसको मिल रहे हैं, नथिंग। आपने जो काम करना था पहला स्टेप उसी वक्त लेना पड़ता है कि नाउ ये डिसाइड किया, ये पहला स्टेप हो गया। तो हॉकी में हमेशा वो बंदा सूटेबल रहा, नूर खान साहब। नूर खान साहब के दौर में सबसे ज़्यादा विक्ट्रीज आई, वो हॉकी प्लेयर नहीं थे, उन्होंने ओलंपिक्स वर्ल्ड कप नहीं खेला हुआ। तो आप देख लें क्रिकेट की भी विक्ट्रीज उनके दौर में और हॉकी की विक्ट्री भी उनके दौर में, स्क्वाश की विक्ट्री भी उनके दौर में। तो जब एक आदमी इतनी चीज़ों को मैनेज कर सकता है, वाई नॉट टुडे? आज मेरिट नहीं है, आज कोई पैरामीटर यादस्टिक नहीं है कि कौन आएगा कौन कुर्सी संभालेगा। लेकिन अब तो खैर ज्यादातर पॉलिटिकल अपॉइंटीज बहुत हो गए हैं कि जिसना हम एग्जैक्टली बैकडोर बात कर रहे थे। मैं पहले बैकडोर कहता था, बैकडोर से आते हैं, लेकिन आजकल लोग पैराशूट से आते हैं, बैकडोर भी नहीं। अभी पैराशूटर्स जो है ना, इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया हुआ है कि ये आगे सीधे कुर्सी पे बैठते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूं चेक एंड बैलेंस के नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है यार, बदकिस्मती है। हॉकी खूबसूरत गेम है यार, ये नहीं मैं खेलूं, हॉकी आज भी लोगों के दिलों में बसती है, सिर्फ विक्ट्री नहीं है। और फिर विक्ट्री चले, विक्ट्री भी आ जाएगी, फिर उसके लिए कोई सही सिमत भी नहीं है। हम लोग अगर सही सिमत पे चल जाए तो लोग आना शुरू हो जाएंगे। जब लोग आना शुरू हो जाएंगे, जब आपकी बेस ब्रॉड हो जाएगी, जब आपके पास रेजर वॉयर होगी, तो आप फाइट कर सकते हैं ना। अभी कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि चेक एंड बैलेंस, एक ऐसी टेक्नोक्रेट की कमेटी जो अदर देन PHF हो, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अलावा हो, क्योंकि इस गेम को हम वापस लाना चाहते हैं, हम डाउनफॉल से बाहर निकलना चाहते हैं, वो कमेटी ऊपर आए, वो आके तमाम मामला देखें, इनसाइड द ग्राउंड एंड आउटसाइड द ग्राउंड। आप एक चीज़ मैं बताऊँ, आप हॉकी से पैसे को पुल करते हैं, पैसा बाहर निकाल के आप गवर्नमेंट अपने बंदा एक फाइनेंशियल डायरेक्टर लगा दें, कोई ब्यूरोक्रेट को लाके उसको को भाईजान ये पैसा दे, नहीं पैसा दे ही उसको, दे फेडरेशन से बाहर ले जाए पैसा, फेडरेशन के चार आने मत दें, आप पैसा उसको दे दें। मैं आज आपको बताता हूँ कि तमाम ओलंपियंस की लड़ाई खत्म हो जाएगी, कोई सीट पर नहीं आना चाहेगा। ठीक है, वो मॉनिटर करे, ओलंपियंस एक प्लान बनाए कि हमारी टीम ने यहाँ जाके मैचेस खेलने, हमने इस टीम को बुलाना है, हमने ये अकेडमीज लगानी है, वो उस फाइनेंशियल डायरेक्टर को दिए जाएं, वो गवर्नमेंट से प्रूव करके इंप्लीमेंट कर दे, सारा पैसा उसके पास होना चाहिए। अगर हम इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर लें तो आप बिलीव करें कि बहुत जल्द चंद घंटों में हॉकी ठीक हो सकती है। ठीक है, ये तो आपने बात हमारे सामने आ गई है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी जो सीनियर हमारे हायरार्की उसके अपने काफ़ी इंटरेस्ट्स होते हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से काफ़ी पाकिस्तान की हॉकी सफ़र की है। एज ए प्लेयर, एज एन इंडिविजुअल, आप एक यंगस्टर जो हॉकी की टीम में, पाकिस्तान की टीम में आया है, उसको आप क्या मशवरा देंगे, गिवन द फैक्ट कि आप वर्ल्ड चैंपियंस के साथ खेले हुए हैं, खुद भी आपका एक चैंपियन माइंडसेट के साथ आप खेले हैं, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट टीम, व्हेन द टीम इज विनिंग तो वो और ही डिफरेंट टीम होती है, फिर उसमें इख्तलाफ भी नहीं होते, अगर होते भी हैं तो वो कवर हो जाते हैं। जब एक टीम हार रही होती है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना पड़ता है, आपको शायद अपने करियर में उस तरह से प्रेशर इसलिए ना लेना पड़ा हो क्योंकि आप कंटिन्यूसली जीते आ रहे हैं। आजकल जो एक नया जो यंगस्टर आता है टीम में आता है, उसको आप क्या एडवाइस देंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के जो ऊपर की हायरार्की है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, क्योंकि एथलीट इज सपोज टू गो आउट देयर एंड परफॉर्म, क्या आप उसको मशवरा देंगे? पाकिस्तान में एक दो चीज़ें हैं, एक तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जी हमें जो जो ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ उस हद तक होनी चाहिए कि आपकी क्या डाइट है क्या, मतलब इस तरह होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि प्लेयर्स बहुत हम्बलिंग बैकग्राउंड से आते हैं, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और काफ़ी ऐसी अंडर प्रिविलेज होते हैं और इतने रिसोर्सेज नहीं होते उनके पास, उनको बिठा के उनको पेप टॉक करनी पड़ती है, उनको सिखाना पड़ता है, लाइक उंगली पकड़ के उनको चलाना पड़ता है एक तरह से।
एक यंगस्टर को जो पाकिस्तान में अभी है, जो इतना शायद उस तरह से रिसोर्सेज भी नहीं है, उतनी उस तरह तालीम भी नहीं है उसके पास, क्या उसको मशवरा देंगे इन द प्रेजेंट मॉडर्न डे टू हाउ टू एक्सेल इन द स्पोर्ट? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि बच्चा अपने पैशन के जरिए ग्राउंड में आ जाता है, राइट? ठीक। अच्छा, इस मौजूदा दौर के ना चंद एक मैं समझता हूँ फाइट्स हैं। जैसे एक बच्चा है ना, वो जंक फूड को बहुत लाइक करता है, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग कर रहा हो। अच्छा, एक बच्चा मोबाइल को, लैपटॉप को बहुत लाइक करता है, ठीक है, वट एवर सर्कमस्टांसेस, उसकी विश होती है कि मेरे पास बहुत अच्छा मोबाइल हो और मैं ये करूँ। वेयर्स कि ये वो चीज़ें जो आपकी टारगेट को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक। पहली फाइट तो इनके साथ है, बिल्कुल ठीक है। नंबर टू, आपकी डेडिकेशन, आपकी एज एन इंडिविजुअल, आपकी कमिटमेंट, आपकी सिंसियरिटी, आपकी लॉयल्टी टूवर्ड्स द गेम एज एन इंडिविजुअल। कोच जो मर्जी करवाए, आप देखें, आप स्कूल जाते हैं, आपके टीचर आपको पढ़ाती है या पढ़ाता है, आप कभी स्कूल से पढ़ के पास नहीं हुए, हम ये कहते हैं यार वो टीचर बहुत अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आप अपने घर में आके, आपके माँ बाप ट्यूशन में पढ़ाते हैं, आपको खुद पढ़ाते हैं, आपको फोर्स करते हैं, आप पास हमेशा होमवर्क करके होते हैं, ठीक ठीक है। हमारी हॉकी में कोई होमवर्क नहीं है, हम ग्राउंड में खेल के आते हैं एंड दैट्स इट। हमें एज ए होमवर्क, एज एन इंडिविजुअल, उस पर बहुत वर्क करना पड़ेगा। हम लोगों को अपनी वीडियोस देखनी चाहिए, हम लोगों को पुरानी वीडियोस देखनी चाहिए, हम लोगों को यूरोपियन टीम की वीडियोस देखनी चाहिए। एज एन इंडिविजुअल आप कोचिंग छोड़ दें, जब कैंप लगे तो जो मर्जी कराएं, लेकिन हम अपने घरों में ऑफ डेज के अंदर हम कोई हॉकी को टाइम नहीं देते हैं, और यही हमारा अलमी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो कभी भी हॉकी टॉप लेवल पे आसानी से नहीं जाएगी। डू यू थिंक कि इसकी एक वजह ये भी है कि अब आजकल जो करियर्स हैं लोगों के, वो बड़े इस तरह से हो गए हैं कि दे जस्ट गो आउट देयर एंड परफॉर्म इन अ कपल ऑफ गेम्स एंड दे बिकम हीरो ऑन सोशल मीडिया, एंड उसके बाद आपको जो चीज़ें एंडोर्समेंट्स वगैरह मिलना शुरू हो जाती हैं, आप कैरियर वे उस तरह हो जाते हैं। शायद आपके दौर में उस तरह से एक्सपोजर नहीं था, या इतनी जल्दी आप हाईलाइट नहीं होते थे, छोटी परफॉर्मेंस, मीडिया बहुत लिमिटेड था, ऊपर से टीम इतनी बड़ी थी कि एक इंडिविजुअल प्लेयर को सिंगल आउट नहीं हो सकता था अंटिल एंड अनलेस वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी ना हो। ठीक है, मैनेजमेंट की आपने बात की है कि जी बहुत ज़्यादा कह लें कि ना अहल है इसके कि वो एक सिस्टम को बना सके और उसको चला सके, लेकिन हमने तो इसको देख रहे हैं ना एज ए पॉजिटिव कि हम आगे क्या इस चीज़ में बेहतरी किस तरह ला सकते हैं। आप अपनी कैपेसिटी में एज ए फॉर्मर चैम्पियन, वॉट वुड यू रिकमेंड द गवर्नमेंट और द फेडरेशन? मैंने एक अभी सोल्यूशन दी कि गवर्नमेंट अपना एक फाइनेंशियल डायरेक्टर ला के बैठा दे और हॉकी में बेशुमार पैसा दे, नंबर वन। But it would be clean from all the हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, ये ओलंपियंस हैं, इनकी मशावरत के साथ जितना भी फाइनेंशियल इश्यूज है ना, वो सारे वो डायरेक्टर हल करें जो गवर्नमेंट का अपना बंदा हो, ठीक है। वो पहले एक सजेशन ले ले, एक उनसे पॉलिसी ले ले, एंड देन डिस्कस करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका मैं कहता हूँ कि लाजमी जुज होगा। ओके, नंबर टू पे आप देखें, कोई क्लब सिस्टम नहीं है हमारे पास, हमारे पास कोई एकेडमी सिस्टम नहीं है। फौरी तौर पर सेंट्रलाइज एकेडमी एंड देन प्रोविंशियल एकेडमीज को फौरी तौर पर बिल्ड कर लेना चाहिए, फौरी तौर पर, ताकि जो टैलेंट इस एज में ज़ाया हो रहा है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, एक बच्चा कोटाधू में बैठा है या लाड़काने में बैठा है, वो अल्लाह को पता है, लेकिन कोई इंसान उसको किसी जगह ला नहीं पा रहा है। तो जब हम पूरे मुल्क से टैलेंट इकट्ठा कर, टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान में, हर किस्म का अल्लाह पाक ने टैलेंट दिया हुआ है, सिर्फ उसको इकट्ठा करके एक जगह पे लाके ट्रेन करना, उसको पॉलिश करना। क्रिकेट में हम देखते हैं कैंप्स लगते हैं, आपके सामने अननोन प्लेयर सेंचुरियां कर गए हैं, अननोन प्लेयर, ये आमिर वगैरह, दीज आर ऑल कैंप्स से निकले। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हॉकी में कैंपिंग का इस तरह का, हॉकी में हमारे कैंप्स लगते हैं, लेकिन कौन से कैंप्स लगते हैं कि वो प्लेयर, जैसे भी आपने बात की थी, बना बनाया प्लेयर आता है ना, हम ग्रूम नहीं कर रहे हैं, हम किसी को पॉलिश नहीं कर रहे हैं, हम कोई ढूंढने नहीं जा रहे हैं, ग्रास रूट से नहीं उठा, कोई उठा नहीं रहे हैं। देखिए, जो एज होती है ना 12 इयर्स 14 इयर्स की, वहाँ पे टैलेंट वेस्ट होता है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे स्कॉश हो, चाहे हॉकी हो, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि ये प्लेयर सारे बिलोंग करते हैं बहुत लो लेवल से आते हैं, सीधी सी बात है। कोई प्लेयर जो है, जो बंदा बिलियनियर मिलियनियर है, उसका किसी का बच्चा आके ग्राउंड में नहीं खेलता है, ठीक है, ये गरीब बच्चे आते हैं। अच्छा, जब वो बच्चा 15 साल का 14 साल का होता है, तो जब उसको कोई उठाता नहीं है, वो हॉकी का बहुत अच्छा टैलेंट है, तो उसके माँ बाप कहते हैं चल भाई छड़ डनू डंडे नू, जा जाके उसे मैकेनिक बन जा, वहाँ टैलेंट फेस हो जाता है। तो हमें उस एज को टारगेट करना है, 12 इयर्स टू 14 इयर्स, उसको ला के उनको कैंप्स में लाना है, उनको अकेडमीज में लाना है। अगर हम आज से ये काम शुरू कर लें, आप बिलीव करें, ये 3-4 साल की बात है कि पाकिस्तान विल गो बैक ऑन द टॉप। इंडिया से मैं थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ, इंडिया को हमने एक दौर में बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है,
इतना कि उनसे अगर कंपैरिजन किया जाए तो अभी भी पाकिस्तान इतना उनसे भी रिसेंटली हारने के बावजूद भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड उनसे बेहतर है। इंडिया से जब भी हम खेलते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं, ज़रा मेंटल ज़्यादा लगती है। लगता है कि मेंटली थोड़े से हम दबाव में हैं और उनके साथ जो भी मैच हो वो एंड पे आके हम हार जाते हैं समहाउ। क्या इसकी वजह समझते हैं कि क्या ये है कि इंडिया अब बहुत आगे जा चुका हुआ है, उसकी ट्रेनिंग्स वगैरह फैसिलिटीज़ बहुत आगे हैं, या मेंटल ब्लॉकेज को किस तरह दूर किया जा सकता है? देखिए, इंडिया इसको आपको बहुत पीछे छोड़ गया हुआ है। मैं आपको खुल को बात करता हूँ, नॉट ओनली आपकी हॉकी के अंदर, बेशुमार चीज़ों के अंदर। अकेडमीज़, वो अपने बच्चों को अकेडमीज में ग्रूम कर रहे हैं, ठीक है। उनका बजट 5 बिलियन के करीब है। पिछले 5 सालों में उन्होंने 5 अरब रुपया इंडियन, जो ऑलमोस्ट 10 बिलियन पाकिस्तानी बनता है, कथा गलामी। लेकिन यहाँ पर तो एक सिर्फ हॉकी जो है वो आपका सिंगल जरिया मुआश रह भी नहीं गया, नहीं कोई और जो भी जॉब करनी पड़ती करनी पड़ती है, ठीक है जी। अच्छा, फिर उनकी लीग्स हो रही हैं, दुनिया के तमाम टॉप प्लेयर्स आके वहाँ खेल रहे हैं। जो आपने मेंटल स्ट्रेंथ की बात की है ना, पहले वो अकेडमी में खेलते हैं, फिर लीग्स हो रही हैं, वो तमाम दुनिया के टॉप टैलेंट के साथ खेल के ग्रूम हो रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद वो पिछले 5 ईयर्स से एक ही प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं। 5 साल हो गए उनको। 2012 में जब हमने ओलंपिक्स में 7th फिनिश किया था, ठीक है, लंदन ओलंपिक्स में इंडिया ने 12th फिनिश किया था, ठीक है। आज हम 14 नंबर पे और इंडिया 6 नंबर पे, ठीक। तो 5 ईयर्स में उन्होंने एक प्लान करके, एक मॉडल सामने रख के अपने आप को 6 नंबर पे ले गए हैं और हम आज 14 नंबर पे चले गए हैं। तो कहने का मकसद है, यही एक पढ़ी लिखी चीज़ है कि वो पढ़ लिख के कहाँ चले गए हैं और हम अनपढ़ जहलों की तरह कहाँ चले गए हैं। हमने किसी को फॉलो नहीं किया। हम कहते हैं जी हमने 7वां फिनिश किया, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा बेहतर हो जाएंगे। इस तरह नहीं है। तो उनके प्लेयर जो है मेंटली स्ट्रांग है, फिर वो जाके दुनिया में हर जगह मैचेस खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप में, ठीक है। उनके प्लेयर्स जो है इस वक्त प्रेजेंटली मिनिमम भी जो है ना वो 100 से प्लस मैचेस खेला हुआ है। आपके प्लेयर्स जो है इस वक्त, आप कभी नई टीम बनाना चाहते हैं और कभी आप पुराने प्लेयर्स को बनाना चाहते हैं। हम अपने माइंड को अभी तक स्टेबल ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। जब हम नई टीम हारती है तो पुराने ले लेते हैं, जब पुरानी हारती नए ले लेते हैं। तो यही हमारा आलमी है, इस मैनेजमेंट को चेंज कर दें, उसको ले आए। इस तरह नहीं होगा। हम लोगों को, अपने प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को टाइम देना पड़ेगा। अगर हम टाइम नहीं देंगे तो ये बिल्ली चूहे के खेल के साथ कभी विक्ट्रीज नहीं आती हैं। इसको बंद करना पड़ेगा। चलिए, टाइम तो खैर देते देते अभी हालात हो गए कि 70 ईयर्स वी आर स्टिल कन्वर्सिंग ऑन द फैक्ट कि अब आगे कोई अकेडमी नहीं है, कोई इस तरह कुछ नहीं है। बदकिस्मत इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, पाकिस्तान हॉकी का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? जो अभी जिस तरह के सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जो भी नेपोटिज्म है, जितनी भी करप्शन है, इसको या अभी कुछ आने वाले दिनों में आप ख़त्म होता कुछ देख रहे हैं, या आपको लगता है कि ये सिलसिला इस तरह ही चलता रहेगा? और अगर इस तरह ही सिलसिला चलता रहा तो आगे वर्ल्ड कप्स में और आगे ओलंपिक्स में पाकिस्तान का क्या वॉइस, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि ये एक हमारा नेशनल स्पोर्ट है। क्रिकेट में हार से शायद लोगों को दुख ज़्यादा होता हो, लेकिन हॉकी में हारने से एक नेशनलिज्म को आप बंदे को ठेस पहुंचती है। समहाउ आपको ये फील होता है कि यार ये तो हमारा नेशनल स्पोर्ट है, एटलीस्ट ये हमें जीतना चाहिए। और इतनी कौन सी रॉकेट साइंस है कि अगर इंडिया एक चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकता है और आप नहीं कर सकते, और हर दफ़ा आप ये बहाना मार देते हैं कि यहाँ पे दहशतगर्दी ज्यादा है, यहाँ पे दहशतगर्द अब आपको हॉकी खेलने से तो नहीं रोक रहे? नहीं, 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 तो नहीं, फिर इस तरह आप इस चीज को आप कैसा देखते हैं आगे इन द कमिंग डेज, अगर इस तरह ही सिलसिला? देखिए, मैं यहाँ पे एक नाम तो खत्म नाम लेना चाहूंगा कि हमारे प्रेसिडेंट, मौजूदा प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर हैं, ठीक है, और बड़े डिसेंट और विजनरी आदमी हैं। जब वो आए थे ना तो मेरी खुद बहुत बड़ी होप्स थी, मैंने उनके साथ काम भी किया है, लेकिन अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आई डोंट नो व्हाई कि अभी तक जो वो उन्होंने काम किया है ना, मतलब मैं नहीं, पूरा मुल्क सेटिस्फाई नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन है, बहुत बड़ी होप्स हमें उनके साथ हैं, और हमें पता है कि उनके अंदर वो टैलेंट भी है, वो कर भी सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उसे क्या वजूहत है ये उनको खुद चेक करना चाहिए कि उनकी लिमिटेशंस जो हैं वो क्यों हैं, वो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जैसे आपने बात की, मैं इस पर एक फाइनल सेंटेंस कहूँगा कि हॉकी पाकिस्तानियों के दिल में धड़कती है, इसको वापस लाने के लिए वही 3 C's फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ऑन दैट नोट वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ आवर शो एज वेल। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपने मेज़बान ज़मान खान को दीजिएगा इजाज़त।